सर क्लियर है, कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, आप लोगों ने आस्टिंग ग्लोबल के इस वेबिनार के अंदर आए हुए हैं, एंड जितने भी लोग कनेक्ट कर गए हैं आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार के अंदर। एंड मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत जबरदस्त होंगे, एंड आई विश आप सब लोग बहुत जबरदस्त रहें। मेरे दोस्त, आज इस वेबिनार के अंदर जितने भी लोग कनेक्ट कर गए हैं, आप सब ने देखा एक से दो सेकंड के अंदर हमारी मीटिंग हाउसफुल हो गई थी। एक से दो सेकंड के अंदर हमारी मीटिंग के अंदर 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट ऑलरेडी आ चुके थे। और अगर अपन अभी YouTube की बात, अभी हमारी ये जो मीटिंग है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो लोग YouTube के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन YouTube में भी अभी अगले कुछ सेकंड के अंदर ही 500-600 लोग कनेक्ट कर जाएंगे। 500 से 600 लोग ऑलरेडी हमारी मीटिंग को देख रहे होंगे। सो जितने लोगों को जगह मिल गई है, मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आपको जगह मिली है तो एक सेकंड के लिए भी मीटिंग को ना मिस करें। अगर एक सेकंड के लिए भी मीटिंग को मिस करके जाएंगे तो दोबारा आपको जगह नहीं मिलने वाली है, दोबारा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और जब तक आप इस वेबिनार के अंदर हैं मेरे दोस्त, आज की हमारी जो वेबिनार है पूरी टेक्निकल होने वाली है, इसलिए जितना जरूरी है आज के इस वेबिनार को सुनना, उतना ही जरूरी है आज के इस वेबिनार को देखना, और उतना ही जरूरी है आज के इस वेबिनार को समझना। सो लास्ट तक इस वेबिनार के अंदर बने रहें। अगर ड्यूरिंग द वेबिनार एक सेकंड के लिए भी आप मीटिंग को छोड़ के जाते हैं, विश्वास मानिए आपको जगह नहीं मिलने वाली है दोबारा, आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इस वेबिनार को। एंड जितने लोगों को जगह नहीं मिली है उन सारे लोगों को YouTube का लिंक प्रोवाइड कराएं, ताकि वो लोग YouTube के माध्यम से हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें। YouTube लाइव स्ट्रीम का लिंक आप लोगों तक ऑलरेडी पहुंच गया होगा, मैंने डाल दिया है, और बाकी लोग भी आप लोगों तक लिंक पहुंचा चुके होंगे, लिंक आप लोगों तक भेज चुके होंगे, सो देट आप अपनी पूरी टीम को उस लिंक के माध्यम से कनेक्ट करवाइए। आपके जो नए मेहमान हैं उन सारे लोगों को भी उन लिंक के माध्यम से कनेक्ट करवाइए। मेरे दोस्त, आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे नहीं पता आपने कितने वेबिनार देखे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर दिन कोई ना कोई वेबिनार देखा है, हर दिन कोई ना कोई कंपनी का वेबिनार आप देखते आ रहे हैं। और जब भी किसी कंपनी का वेबिनार हम सब ने देखा है, हम सब ने यही देखा है कि कंपनियों के अंदर बताते तो हैं कि आपकी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ 360 डिग्री पे बदल जाएगा, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी बदली है ये मुझे नहीं पता। लेकिन आज के इस वेबिनार को आप लास्ट तक देखना, विश्वास मानिए आपकी लाइफ, मैं आपको नहीं बोलूंगा यहाँ पे कितना डिग्री पे चेंज होगा, लेकिन विश्वास मानिए आज से पहले ऐसी वेबिनार नहीं देखे होंगे जो वेबिनार आज आप सब देखने आए हैं। मेरे दोस्त, जितने भी अभी दोस्त हमारे कनेक्ट कर गए हैं, मैं फिर से आप लोगों को हिदायत दे रहा हूं, एक सेकेंड के लिए भी अगर आप मीटिंग को छोड़ के जाएंगे तो दोबारा आपको जगह नहीं मिलेगी। सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक अद्भुत दुनिया की तरफ, ऐसी दुनिया की तरफ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करा है, एक ऐसी दुनिया की तरफ जिसने हजारों लोगों की लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज करा है। मेरे जो जिस सिस्टम के बारे में मैं आज रिप्रेजेंट करने आया हूँ, जिस सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिस्टम का नाम है फोर्सेस। कुछ लोग फोर्साज बोलते हैं, कुछ लोग फोर्सेस बोलते हैं। आज अपन अगर बात करें इसकी तो 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर आया था। 31 जनवरी 2020 से लेके अब तक करीब करीब इस सिस्टम के साथ में मेरे दोस्त 28 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 28 लाख लोग हर किसी भी सिस्टम के साथ रजिस्टर कर जाते हैं, लेकिन 28 लाख लोगों में आज इस सिस्टम के साथ में करीब करीब 15 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम से 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करी है। अंदर अप्रोक्सीमेट 12,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से लेके 100 करोड़ रुपए तक की अर्निंग किया है पिछले कुछ वर्षों के अंदर, पिछले कुछ महीनों के अंदर। जिस टीम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस टीम का नाम है टीम ग्लोबल। एंड मेरे दोस्त, टीम ग्लोबल एक सिस्टम ही एक टीम नहीं, टीम ग्लोबल एक इंस्टीट्यूशन है। टीम ग्लोबल के अंदर आज 1,80,000 लोगों का परिवार है। टीम ग्लोबल के अंदर आज पर डे कोई ना कोई कार अचीवर बनता है, टीम ग्लोबल के अंदर पर डे कोई ना कोई कार निकालता है, और टीम ग्लोबल के अंदर पर डे आज 50,000 रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या 500 से ज्यादा है। मेरे भाई, आगे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूँ। अगर आप आगे जाते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे तो टीम ग्लोबल के अंदर या फिर इस सिस्टम के प्लान को देखना क्यों जरूरी है। हम सब ने, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, हम सब ने किसी कंपनी का वेबिनार देखा है, लेकिन फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। मेरे दोस्त, फोर्सेस एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म तो करेंगे, लेकिन फोर्सेस नॉट अ कंपनी माय डियर फ्रेंड। अब कंपनी नहीं है तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बैक ऑफिस नहीं है, और फोर्सेस
एक ऐसा सिस्टम है आज मार्केट के अंदर जिसने हाहाकार मचा रखा है। उसका रीजन ये है कि फोर्सेस आपको एक सेकंड के अंदर पे आउट देता है, विद इन अ सेकंड आपको पे आउट देता है। एंड मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, फोर्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 5%, 10%, 20% का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। हम सब ने कंपनियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देखा है जहां पे 5%, 10%, 20% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन फोर्सेस के अंदर 5, 10, 20% का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और शायद यही कारण हो सकता है कि आज लोग टर्नओवर तो बहुत अच्छा दे रहे होते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते क्योंकि 5, 10%, 20% का डिस्ट्रीब्यूशन है। फोर्सेस के अंदर मेरे भाई पूरे के पूरे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का सिस्टम के अंदर पे आउट नहीं जाता है, किसी भी तरीके का आपके टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर नहीं जाता या फिर सिस्टम के माध्यम से नहीं होता है, कंपनी के माध्यम से नहीं होता है। और वो इसलिए क्योंकि कंपनी है ही नहीं। मेरे दोस्त, हम जब भी कभी किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं, बेंग लीडर, एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कंपनी बंद हो गया तो कंपनी भाग गई तो लोग कंपनी के बाद पास बाद में जाएंगे, पहले हमारे पास आएंगे, लोग हमसे पूछेंगे। अगर लास्ट तक इस वेबिनार के अंदर आप रह गए तो आपको ये विश्वास हो जाएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन सिस्टम को कोई नहीं बदल सकता, प्लान को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको ना तो एडिट किया जा सकता है, ना तो डिलीट किया जा सकता है, ना तो ब्लॉकेबल है, ना डिलीटेबल है, ना ही एडिटेबल है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, फोर्सेस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी डजंट मीन आपकी टीम कितनी है, आपने कितना बड़ा टीम बिल्ड किया है, लेकिन पैसे आप जरूर यहां से कमाते हैं। और उसका रीजन भी ये है कि फोर्सेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ना केवल अपलाइन से, ना केवल डाउनलाइन से, ना केवल क्रॉसलाइन से, लेकिन अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन और क्रॉसलाइन के क्रॉसलाइन से भी इनकम आपको आता है। और शायद इससे बढ़िया सिस्टम आपने मार्केट के अंदर कहीं नहीं देखी हो जहां पे अपलाइन से भी पेमेंट आता हो, डाउनलाइन से भी पेमेंट आता हो और क्रॉसलाइन से भी पेमेंट आता हो। आगे लेके चलता हूं और यहां पे एक चीज और आपको दिखाता हूं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग के अंदर आएगा कि भाई प्रोडक्ट फोर्सेस का प्रोडक्ट है क्या। तो मेरे दोस्त, फोर्सेस का प्रोडक्ट है डिजिटल करेंसी, फोर्सेस का प्रोडक्ट है वर्चुअल करेंसी, फोर्सेस का प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी का सी नहीं पता, जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं आपको थोड़ा सा बैकफ्लैश में लेके चलता हूं। कुछ समय पहले जो लेन देन का माध्यम था वो था बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते थे। काम के बदले में अनाज, सामान के बदले में सामान। मुझे जमीन चाहिए, आपको गाय चाहिए, मैंने आपसे जमीन खरीदा, बदले में आपको गाय दे दिया। समय बदला, मार्केट के अंदर आता है गोल्ड, लोगों ने गोल्ड के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा। समय और बदला, मार्केट के अंदर आता है मेटल कॉइन, लोगों ने तांबे के सिक्के के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा। समय और बदला, मार्केट के अंदर आता है पेपर मनी, जिसको हम लोग नोट भी बोलते हैं, लोगों ने नोट के माध्यम से भी लेन देन करना स्टार्ट करा। लेकिन इन तीनों चारों चीजों के अंदर प्रॉब्लम था क्या, कैरी करना, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह पे अगर लेके जाना है, आपके लेन देन का अमाउंट अगर बड़ा है तो मुश्किल था, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, कैरी करना, रखना, संभालना, और चोरी का बहुत डर होता था। और आप सब ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा चोरी तब होता था जब हमारे घर पे कैश पड़ा होता था, हमारे घर पे सोना पड़ा होता था। समय बदला, मार्केट के अंदर आता है प्लास्टिक चार्ज, जिसको हम लोग एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम पैदा हुआ। और आगे अगर अपन चले, भीम यूपीआई, इलेक्ट्रॉनिक मनी जिसको अपन बोलते हैं, भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, इन दोनों के अंदर एक अलग टाइप का प्रॉब्लम शुरू हुआ, दैट यू कैन नॉट बी 100% इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे का 100% स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकते थे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट के अंदर अगर 50 लाख रुपए पड़ा है, अगर मैं किसी इंसान को 5 लाख रुपए भेजना चाहता हूं तो मैं नहीं भेज सकता हूं, अगर मेरा बैंकिंग सिस्टम, अगर मेरा बैंक मुझे लिमिट नहीं दे रहा है। मेरे दोस्त, एक ऐसा सिस्टम था जिस सिस्टम के अंदर आपके खुद के पैसे होते हुए भी आप उतना ही लेन देन कर सकते हो जितना आपका बैंकिंग सिस्टम आपको लिमिट दे रहा है। और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मार्केट के अंदर, सारे बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दुनिया के अंदर हर एक इंसान समस्या देखता है, कुछ लोग समस्या देखते हैं और जो समाधान देखते हैं वही लोग विजनरी बन जाते हैं। और इन सारी समस्याओं का समाधान मार्केट के अंदर आता है एज अ क्रिप्टो करेंसी, एज अ वर्चुअल करेंसी, एज अ डिजिटल करेंसी, जिस करेंसी ने हाहाकार मचा दिया, एक ऐसी करेंसी जिसने मार्केट का सिनेरियो बदल दिया, एक ऐसी करेंसी जिसने मार्केट के अंदर एक नया इतिहास टाइप में बना दिया। इट्स जस्ट लाइक हॉट सेलिंग केक। आज आप किसी भी न्यूज चैनल के अंदर चले जाइए, आज आप किसी भी न्यूज चैनल को देख लीजिए,
हर एक जगह पे क्रिप्टो करेंसी की चर्चा है आज मार्केट के अंदर, और क्यों है आगे आपको पता चलेगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हम सबका एक अपडेटेड वर्जन है। जैसे बार्टर सिस्टम से हमने गोल्ड के अंदर मूव किया, गोल्ड से हम मेटल कॉइन के अंदर मूव किए, मेटल कॉइन से पेपर मनी के अंदर मूव किए, पेपर मनी से प्लास्टिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर मूव किए, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हम सब ने मूव किया। मेरे दोस्त, आप में से जितने भी लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता है, किसी गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। एक ऐसी करेंसी जिसको, जिसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन नहीं होता है, तो थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं होता है। एक ऐसी करेंसी जिसके अंदर आप चाहें तो वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड वाइड भी अगर आप जाना चाहें तो ब्रह्मांड के किसी भी कोने के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप इस करेंसी के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक ऐसी करेंसी जिस करेंसी के बारे में अगर अपन और थोड़ा सा जाएं तो मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप अगर किसी दूसरे कंट्रीज के अंदर जाते हैं, उन कंट्रीज के अंदर आपको अपना करेंसी एक्सचेंज करवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी करेंसी को बदलने की जरूरत नहीं है। विद द सेम वैल्यू जो आप इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं, वही वैल्यू के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, एक ऐसी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप और थोड़ा सा डिटेल में जाएं, जिसको किसी गवर्नमेंट के द्वारा ना तो कंट्रोल किया जाता है ना ही किया जा सकता है, एक ऐसी करेंसी जिसको अगर कोई गवर्नमेंट चाहे भी कंट्रोल करना तो नहीं कर सकता, एक ऐसी करेंसी जो किसी गवर्नमेंट के, मतलब आप समझिए, देयर आर नो थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन, किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन भी नहीं है, राइट, उसको बोला जाता है वर्चुअल करेंसी, उसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा और अगर अपन जाएं तो आज से एग्जैक्टली 9-10 साल पहले, आप अगर 2009 के अंदर जाते हैं तो एक BTC का कीमत, एक बिटकॉइन का कीमत $115 $115 था, और $115 का कीमत अगर आप इंडियन रुपीस के अंदर जाएंगे तो मेरे दोस्त करीब करीब 9,000-9,500 रुपए था। और आज एग्जैक्ट अगर आप 9 साल बाद देखें, मैं 9 साल क्यों, 8 साल ही अगर अपन ले लें, 2021 के अंदर अपन देखें, एक BTC का कीमत, एक बिटकॉइन का कीमत $55,000 इंडियन रुपीस के अंदर 50 लाख रुपए तक गया है। आप अंदाजा लगाइए, 9 साल पहले आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होगा, SIP में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, किसी भी दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्ट करा होता, और उसकी कीमत आज अगर आप ये निकालते कि मुझे 50-55 लाख रुपए मिल जाए तो शायद मार्केट के अंदर ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। ये केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ही पॉसिबल है, और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ही हो सकता है। दोस्त, यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज के नाम आप देख पा रहे होंगे, 4-5 करेंसीज के नाम देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे BTC, जिसका नाम है बिटकॉइन। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी नहीं भी सुना है तो बिटकॉइन का नाम जरूर आपने सुना होगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बिटकॉइन के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, चाहे आपने बुरा पढ़ा होगा चाहे आपने अच्छा पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा जरूर होगा। मेरे दोस्त, अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, तो केवल और केवल एक टोकन का, केवल और केवल एक करेंसी के, एक मुद्रा का, जिसका नाम है बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर अपन देखने जाएं तो दोस्त, वर्ल्ड वाइड अगर अपन केवल BTC की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे एथेरियम और टेदर लिखा है तो इसको आप काउंट मत करना, $969 billion $2021 के अंदर था, 2021 के अंदर था। आज इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें दैट विल अराउंड $1,000 billion, कई देशों की GDP से ज्यादा, कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा, केवल और केवल एक टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूं, जिसका नाम है बिटकॉइन, जिसका नाम है BTC। माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, आगे लेके चलता हूं और आप यहां पे देख पाएंगे आगे साल के अंत तक आ सकता है डिजिटल करेंसी का मॉडल। ये 2021 का न्यूज है, इंडिया ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी, वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त, मैं आपको लाइव एक चीज दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर अभी तक आपने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया था, अगर आपने अभी तक आपको ये लग रहा था कि यार ये मेरे काम का नहीं है, तो आज मैं आपको बता देता हूं, आज इंडिया के अंदर लोगों के लिए डिजिटल करेंसी आ चुका है, CBDC नाम का डिजिटल करेंसी
जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ऑलरेडी आ चुका है मार्केट के अंदर दैट आपको कैश रखने की आवश्यकता नहीं है सर जी। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है आपका सर। मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ, मैं कुछ और देख रहा हूँ। राइट, अच्छा अच्छा ठीक है ओके। सो आज मार्केट के अंदर सीबीडीसी नाम का ऑलरेडी डिजिटल करेंसी आ चुका है, जहां पे आप अपने कैश के बदले में यू नो डिजिटल करेंसी रख सकते हैं और डिजिटल करेंसी के माध्यम से भुगतान भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त आपको मैं यहां पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहां पे आपको लेके चल रहा हूं और मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप यहां पे देखें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और आप यहां पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, और ये हमने या फिर क्रिप्टो करेंसी ने नहीं लॉन्च किया है, आरबीआई ने सीबीडीसी लॉन्च करा है, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करा है, दैट डिजिटल करेंसी के माध्यम से भी आप लेन देन कर सकते हो। आपको कैश रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है। स्टिल अगर आपको लगता है कि यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। वी आर लिविंग ऑन 21st सेंचुरी, और आज 21वीं सदी के अंदर इंडिया के अंदर 1 दिसंबर 2022 को सीबीडीसी नाम का डिजिटल करेंसी ऑलरेडी आ चुका है। वीजा टू अलाउ पेमेंट सेटलमेंट यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, माय डियर फ्रेंड, इफ आर अ यूजर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, यू मस्ट नो दैट वीजा जो इंडिया का नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है, वो भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी को यूज करता है। आगे लेके चलता हूं, अब भारत में बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्जा आइसक्रीम समेत कई कंज्यूमर आइटम्स, क्रिप्टो करेंसी में भी किराया लेता है। और ये ऑटो वाला लोग पूछने लगे भैया कितना बिटकॉइन लोगे, भारत में तेजी से फैल रही है क्रिप्टो करेंसी। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं आज इंडिया के अंदर कई ऐसे कैफेज हैं जो क्रिप्टो बेस्ड थीम पे हैं। अगर अपन इंदिरा नगर बेंगलुरु की बात करें, जहां पे इंडिया का सबसे पहला क्रिप्टो बेस्ड कैफे ओपन हुआ था, सेकेंड कैनॉट प्लेस डेली के अंदर क्रिप्टो बेस्ड कैफे, क्रिप्टो थीम पे कैफे ओपन हुआ था, जहां पे आप पिज्जा के बदले में बर्गर के बदले में क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। और भोपाल के अंदर भी कुछ दिन पहले, अभी मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर भी कुछ दिन पहले क्रिप्टो बेस्ड कैफे ओपन हुआ है, जहां पे आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं और बदले में आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। आगे लेके चलता हूं, और जो बहुत ही समझदार अपने आप को समझ रहे हैं मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, Elon Musk says if you have Bitcoin, you can be owner of Tesla vehicle. Before that, you must know who's Elon Musk. He is the most richest person of the world, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, and he says if you have Bitcoin, you can be owner of Tesla vehicle. And what is the Tesla vehicle? Tesla is the first autopilot car company over the world, दुनिया की सबसे पहली autopilot car company जिसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो बोल रहा है कि अगर आपके पास Bitcoin है, तो आप Tesla की कार भी खरीद सकते हो। मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे अमीर आदमी के ट्विटर हैंडल पे जाइए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाइए, आपको देखने मिल जाएगा हर दिन कुछ ना कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट ये करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी से ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूं मैं, देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, हमसे ज्यादा विजनरी होगा, तो एक बारी क्रिप्टो करेंसी को सोचना जरूर, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जरूर सोचना। आप यहां पे देखें, ये 14 वो लोकेशन है जहां पे क्रिप्टो रिलेटेड यूनकॉइंस ने, क्रिप्टो एक्सचेंजर एक प्लेटफॉर्म है यूनकॉइंस नाम का, जिसने इंडिया के अंदर 14 लोकेशंस पे अपना बैंक भी ओपन करा है, जहां पे INR के बदले में क्रिप्टो, क्रिप्टो के बदले में INR, इवन इन बैंक्स में आप जाके SIPs भी ले सकते हैं, आप जाके यहाँ पे SIP प्लान वगैरह भी ले सकते हैं। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, इन बैंक्स में जाके INR के बदले में क्रिप्टो, क्रिप्टो के बदले में INR और SIPs वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। Soon get your cryptocurrency at nearby ATM kiosk. मेरे दोस्त मुझे बताइए, आज आप शायद एक्सेप्ट ना करें, जैसे ATM को भी कुछ लोग 92 के अंदर या फिर 1985 के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लोग बोल रहे थे डब्बा से पैसे निकलेगा कैसे, लेकिन आज आप देखो बिना ATM का काम नहीं होता है। वैसे ही cryptocurrencies को अगर आप आज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या होगा जो आपके नियर बाय आपके आसपास के शहर में क्रिप्टो बेस ATM तक इंस्टॉल हो चुके होंगे। और आज वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर कई ऐसे सिटीज हैं जहां पे क्रिप्टो के ATM तक इंस्टॉल हो चुके हैं, जहां पे ATM से भी आप INR और INR के बदले में क्रिप्टो ले सकते हैं। आगे लेके चल रहा हूं, बिटकॉइन 7 साल पहले एक इंसान 1,00,000 रुपए लगाता है और आज 625 करोड़ रुपए हो जाते हैं। मुझे बताइए दुनिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे आप 1,00,000 रुपए लगाते हैं और 7 साल बाद 625 करोड़ रुपए हो जाते हैं। मेरे दोस्त, ये केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर पॉसिबल है, केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ही
हो सकता है। आगे लेके चलता हूं, 2010 से अब तक 90% का रिटर्न क्रिप्टो इंडस्ट्री ने दिया है लोगों को, लोगों ने ट्रेड करके और अलग अलग माध्यम से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अपने प्रॉफिट्स कमाए हैं, 90% रिटर्न। फिर से समझिए, 90% लोगों ने रिटर्न वैल्यू जनरेट की है मेरे दोस्त इसी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। और इसीलिए आज लोग गोल्ड में नहीं, आज SIPs के अंदर नहीं, म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है सबसे ज्यादा रिटर्न वैल्यू अगर कुछ दे सकता है जो आज मार्केट के अंदर, तो वो केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी है माय डियर फ्रेंड। आगे लेके चलता हूं, एंड व्हाट्स इज गवर्नमेंट मेरे दोस्त, ये 2019 का एक न्यूज है जिसमें श्री धर्मपुर श्रीनिवास ने राज्यसभा के अंदर एक सवाल किया था, क्या क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करने जा रही है, क्या क्रिप्टो करेंसी प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर, जिसका आंसर किया था स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट, जिनका नाम है मिस्टर अनुराग ठाकुर, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 2021 से TDS हमारा डिडक्ट होने लगा है, और जुलाई से 30% हम टैक्स भी पे करने लगे हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन पे लेने लगी है। अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए अगर कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन का हिसाब किताब होता कैसे मेरे दोस्त? वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट, दिस द मोस्ट सेफेस्ट एंड दिस द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ओवर द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे एडवांस, दुनिया का सबसे सेफेस्ट एंड दुनिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपका, जैसे पुराने बिजनेसमैन को आप देखें, एक मुनीम होते थे, मुनीम के बाद अकाउंटेंट होते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, और ये अभी भी होते हैं, लेकिन क्या 100% ट्रांसपेरेंसी होती है? आंसर है नो। जब चाहे आपके डेटा के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, जब चाहे आपके डेटा को वो चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो है तो आपका मुनीम, है तो आपका अकाउंटेंट, लेकिन यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन वेरीफाई विच हैपन थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त, हर एक ट्रांजेक्शन जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन को कोई भी एक इंसान वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है जो भी ब्लॉकचेन के अंदर हो रहा है। अब ब्लॉकचेन नाम से बहुत क्लियर है कैसे ब्लॉकचेन काम करता है। इंटरनेट की दुनिया के अंदर जैसे एक वेब स्पेस होता है जिसके अंदर अपन अपना वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने वेबसाइट बनाया भी होगा अपना, आपने या तो गोडैडी से अपने वेब स्पेस खरीदा होगा या किसी और वेबसाइट से खरीदा होगा जहां पे आप अपना वेबसाइट बनाते हैं अलग अलग काइंड ऑफ की, किसी को 3 GB का डेटा के लिए चाहिए, किसी को अलग अलग टाइप के प्लान होते हैं। वैसे ही इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक ब्लॉक बनता है जिसको, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट डलता है जिसको अपन बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एक कॉन्ट्रैक्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट की दुनिया के अंदर कोडिंग के माध्यम से होता है, और जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करते हैं, थर्ड पार्टी वेरीफाई करते हैं, इन द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस जिसके अंदर भी इंटरनेट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये आपका PC है, ये आपका लैपटॉप है, ये आपका iPad है, और ये आपका MacBook है, whatever, जो भी आप बोल सकते हो इसको, इन सारे डिवाइस के अंदर जैसे ही आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं, वेरीफाई करते हैं, बाय डिफॉल्ट इन सारे डिवाइस के अंदर आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं द सेम टाइम। अब एक डिसेंट्रलाइज लेजर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिसेंट्रलाइज लेजर भी बोलते हैं और पब्लिक लेजर के रूप में भी जाना जाता है। पब्लिक लेजर के रूप में इसलिए क्योंकि दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर आपका डेटा डिप्लॉय हो चुका है। अब अगर कोई इंसान इसको चाहे बदलना, कोई इंसान चाहे इसको बंद करना, कोई इंसान चाहे इसको ब्लॉक करना, नहीं कर सकता तब तक जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको बंद ना किया जाए, जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको डिलीट ना किया जाए। माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे और काम करता है? एक चेन के थ्रू दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता है, दूसरे ब्लॉक का, ब्लॉक के अंदर दूसरी कंपनी का डेटा या फिर दूसरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डलता है, जहां पे इसका भी फंडामेंटल सेम है। दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आपका डेटा डिप्लॉय हो सकता है, अरबों मोबाइल की संख्या भी करोड़ों अरबों के अंदर होगा, प्लस आपके लैपटॉप एंड जो भी डिवाइस जिसके अंदर भी इंटरनेट अवेलेबल है, उन सारे डिवाइस के अंदर आपका डेटा डिप्लॉय हो जाता है। उसके बाद कोई इंसान इसको बदलना चाहे, कोई इंसान इसको एडिट करना चाहे, नहीं कर सकता। वैसे ही फोर्सेस के कॉन्ट्रैक्ट को भी ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करा गया, फॉर एग्जांपल फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे डिप्लॉय करा गया। अब फोर्सेस का प्लान भी दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर डिप्लॉय हो चुका है। अब अगर फोर्सेस के प्लान को भी कोई बदलना चाहे, नहीं बदल सकता, डिलीट करना चाहे, नहीं कर सकता,
छेड़छाड़ करना चाहे नहीं कर सकता। मेरे भाई मैं आपको बताऊं इसका एक जीवंत उदाहरण, कुछ दिन पहले फोर्सेस का एक क्रिएटर मेंबर है मिस्टर लाडो, राइट, जिसने फोर्सेस को बनाया था, जिसने फोर्सेस को डिजाइन करा था। अभी थोड़े दिन पहले उसने एक मार्केट के अंदर महा फ्रॉड सिस्टम लॉन्च करा है जिसका नाम है मेटा फोर्स, राइट। जिस सिस्टम के अंदर जब वो उस सिस्टम को लॉन्च कर रहा था तो उस इंसान ने अनाउंस करा कि फोर्सेस के अंदर लोगों का इनकम आना बंद हो जाएगा, फोर्सेस के प्लान को मैं बंद करने जा रहा हूं, फोर्सेस के अंदर लोगों का आईडीज ओपन नहीं होंगे। बट ट्रस्ट मी, अपनी सारी एड़ी चोट लगाने के बाद भी उस बंदे ने एक भी इंसान का पे आउट नहीं रोक पाया, एक भी इंसान की आईडी नहीं टर्मिनेट करा पाया और एक भी इंसान की आईडी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाया। मुझे बताइए दुनिया की ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है कंपनी का मालिक कुछ ना कर सके, लेकिन फोर्सेस के अंदर ऐसा होता है। सिस्टम के क्रिएटर्स भी चाह लें तो एक भी परसेंट का छेड़छाड़ आपकी आईडी के साथ नहीं कर सकते हैं। आगे लेके चलता हूं, वर्सेस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो क्या बोल रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में, बहुत ध्यान से सुने, देन आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, तो मेरे दोस्त आपने सुना कि यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है। एक और आपको बता दूं, तमिलनाडु गवर्नमेंट बिकम फर्स्ट स्टेट टू अनवील एथिकल AI ब्लॉकचेन फॉर देयर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तमिलनाडु गवर्नमेंट भारत की पहली स्टेट है, पहला स्टेट है जिसने साइबर सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करा है। आगे लेके चलता हूं, आज SBI जैसे 15 बैंक हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इवन आप HSBC, BBVA, वीजा, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका साबुन डब भी है, जिसका साबुन फियामा भी है, जिसका साबुन लाइफ बॉय भी है, जिसका साबुन लक्स भी है, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। अगर अपन गवर्नमेंट पे जाएं तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट, दुबई गवर्नमेंट ऑफ मास, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं अपने बेटर गवर्नेंस के लिए। अगर अपन ट्रेवल पे जाएं तो एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, डेल्टा एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं अपने बेटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स के लिए। आगे लेके चलता हूं फोर्सेस के बारे में एक और चीज जाने। फोर्स द 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज्ड बिफोर द मस्ट नो व्हाट इज द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। मेरे दोस्त यहां पे बहुत अच्छे से समझिए, एक सिस्टम जिसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है उससे पहले एक सिस्टम सेंट्रलाइज होता क्या है, जिसके अंदर मल्टीपल ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, MD CMD टाइप की चीजें हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। नुकसान क्या है, सबसे पहला नुकसान, आप जो भी टर्नओवर दे रहे हो सेल्स डिपार्टमेंट को, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को, उसी में से पेमेंट जाना है और आपको उसमें से जो बचा कुचा होगा आपके पास पहुंचना है। आप जितनी मर्जी टर्नओवर दे दो आपको इनकम बहुत कम मिलेगा। दूसरा है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, एक बार सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया, अब अगर कोई चाहे भी सिस्टम को बदलना, चेंज करना तो नहीं कर सकता। एनफोर्स द 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम एंड दिस द फर्स्ट सिस्टम, दुनिया के अंदर पहला सिस्टम है फोर्सेस जिसने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा, जिसने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करा है। माय डियर फ्रेंड, आगे लेके चलता हूं,
फोर्सेस के बारे में कुछ और चीजें बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना और सुनना, एक मिनट के लिए भी अब मत हिलना। मृदो फोर्सेस कौन से करेंसी पे काम करता है? फोर्सेस काम करते हैं एथेरियम पे, ट्रोन पे एंड बीयूएसडी पे। एथेरियम ट्रोन अनस्टेबल टोकन है, बीयूएसडी स्टेबल टोकन है जिसका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होता है। बीयूएसडी का फुल फॉर्म है बाइनेंस यूएसडी, जिसको बाइनेंस एंड पैक्सोस ने 2019 के अंदर बैक करके बनाया था, जो बाइनेंस एंड यूएसडी के प्राइस को बैलेंस करता है, दैट कॉल बीयूएसडी, बाइनेंस यूएसडी। इसकी वैल्यू जो है वो एक बीयूएसडी की जो वैल्यू है एक यूएसडी के आसपास होने वाला है। यूएसडी का वैल्यू अगर 75 है तो इसका वैल्यू 76, 77 हो सकता है, 73, 74 हो सकता है, उससे ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कम से कम 10 बीयूएसडी की जरूरत पड़ती है, कम से कम 10 बीयूएसडी के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4, ये कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली। आपके पास जो 10 बीयूएसडी आए हैं, जो आपके 10 बीयूएसडी हैं, उन्हीं में से 5 बीयूएसडी चला जाता है X3 के अंदर एंड 5 बीयूएसडी चला जाता है X4 के अंदर। आगे चलते हैं, X3 के अंदर पहला स्लॉट, X4 के अंदर पहला स्लॉट बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो गया, इनको आपको अलग से एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आप चाहें अलग अलग एक्टिवेट करना तो आप ये नहीं कर सकते मेरे दोस्त। इसके बाद मैन्युअली आप जितनी मर्जी चाहें उतने स्लॉट्स ले सकते हैं, जितनी मर्जी चाहें उतने लेवल ले सकते हैं। अब ये स्लॉट्स क्या है, कंपनियों के अंदर डेजिग्नेशन होता था, पिन होता था, जिनको अचीव करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना पड़ता था, एक टर्नओवर देना पड़ता था। फोर्सेस के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर आप चाहें तो डे वर्क पे आप यहां का टॉप डेजिग्नेशन ले सकते हैं, टॉप अर्नर बन सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं X3 प्रोग्राम के बारे में। मेरे दोस्त, X3 प्रोग्राम को 100% वर्किंग प्लान बोला गया है और इसको स्पॉन्सर इनकम भी बोला जाता है। अब यहां पे देखें, अभी तक आपने सिंगल लेग, डबल लेग, जनरेशन, बाइनरी प्लान के अंदर काम किया होगा। फोर्सेस का जो प्लान है वो मैट्रिक्स प्रोग्राम है। कैसे काम करता है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है मिनिमम विद द 5 BUSD, 5 BUSD के साथ आपको करना क्या है, जो काम अभी तक करते आए थे वही काम अभी भी करना है, टीम बिल्ड करना है। एंड जैसे किसी एक इंसान को, मिस्टर वन को आपने अपनी टीम के अंदर लेके आते हैं मेरे दोस्त, जैसे एक इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, मिस्टर वन का 100% पे आउट आपको आता है, और वो भी विद इन अ सेकंड। ना कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। जैसे किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, विद इन अ सेकंड आपको पे आउट आता है, वो भी आता है कितना, 100%। जैसे ही दूसरे को रेफर करते हैं, दूसरे का भी 100% आता है। तीसरे को रेफर करते हैं, तीसरा 100% अप्लाइंग को चला जाता है, आपके करंट अप्लाइंग, आपके सुपीरियर पार्टनर, आपके करंट अप्लाइंग को जाता है। सर चौथे को रेफर करूंगा तो चौथा पहले की जगह में आएगा और इसका 100% आपको आएगा, पांचवा दूसरे की जगह में आएगा, 100% आपको आएगा, तीसरा की जगह में आएगा छठवां, और ये 100% अप्लाइंग को चला जाएगा। 1-2 हमेशा आपको आएगा एंड तीसरा हमेशा अप्लाइंग को जाएगा, 1-2 आपको आएगा, तीसरा अप्लाइंग को जाएगा, ये बार बार चलता रहेगा। ये हमारा X3 प्रोग्राम। अब जिनकी आईडी X3 के अंदर लगा था, उन्हीं की आईडी X4 के अंदर भी लगा है। मेरे दोस्त, X4 को 100% टीम वर्किंग प्लान बोला जाता है। यहां पे टोटल स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। अब ये 6 लोगों के स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, आपने जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन किया मिनिमम विद द 5 BUSD, आपको एक पोजीशन मिल गया अगेन यू नाम से। अब यहां पे आप देखेंगे 1 and 2 100% आपको X3 के अंदर मिला था, उन्हीं की आईडी जब X4 के अंदर लगता है तो 1 and 2 का आपको नहीं मिलता, ये चला जाता है अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉसलाइन को। माइंड माय वर्ड, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन किसी को भी जा सकता है 1 and 2 का। तीसरे का 100% आपको आता है, चौथे का 100% आपको आता है, पांचवें का 100% आपको आता है। सर ये तीसरे, चौथे, पांचवें हैं कौन, क्या ये हमारे डाउनलाइन है, क्या हमने जिनको स्पॉन्सर किया था वो है, या फिर 1 and 2 के स्पॉन्सर मेरे दोस्त? ये 3, 4, 5 अपलाइन से भी आ सकता है, डाउनलाइन से भी आ सकता है, क्रॉसलाइन से भी आ सकता है। फिर से सुनिए, ये एक ऐसा प्लान है जहां पे अपलाइन से भी इनकम आता है, डाउनलाइन से भी इनकम आता है और क्रॉसलाइन से भी इनकम आता है। छठवां स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा और ये अपलाइन को चला जाएगा। ये हमारा X4 का प्रोग्राम। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, एक हमारा और जबरदस्त, आप बोलो सर नहीं मुझे और ज्यादा कमाना है, तो दोस्त यहां पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, दैट इज XXX प्रोग्राम, जिसका पहला लेवल $8 का है, दूसरा 15, तीसरा 29, चौथा 57, पांचवा 111, लास्ट वाला 9696 का। X3 को स्ट्रक्चर रिसाइकल करने के लिए 3 लोग चाहिए थे, X4 के अंदर 6 लोग चाहिए थे, XXX के अंदर 14 लोग चाहिए, 14 लोग चाहिए। और ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, 1 and 2 अगेन आपको नहीं मिलेगा, जैसे X4 के अंदर नहीं मिला था, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन किसी को भी जा सकता है। नीचे 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोगों का आपको मिलता है 30%, 30%। नीचे 8 लोग हैं, 8 में से 7 लोगों का आपको मिलता है 70%, 70%। माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी करंट अपलाइन वर्किंग में है तो करंट अपलाइन से आपको मिलता है 30%, और अगर उनके ऊपर की अपलाइन भी वर्किंग में है तो उनके वर्किंग से आपको मिलता है 70%, मतलब 100% नीचे से, 100% ऊपर से। सर मान लीजिए मैं ज्वाइन कर लेता हूं लेकिन अगर टीम नहीं बिल्ड कर पाया तो क्या होगा? अगर तुम्हारी अपलाइन काम कर रही है, मक्कार नहीं है वो इन काम कर रहा है, एक्टिव है,
तो आपकी अपलाइन के वर्किंग से भी आपको इनकम आएगा। और मैं आपको बता दूं 99% लोग आज फोर्सेस के अंदर कमा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं, उनकी अपलाइन काम कर रही है, फिर उनकी क्रॉसलाइन काम कर रही है। और इस प्लान की खूबसूरती है ये, इसलिए फोर्सेस के अंदर लोगों को ये नहीं बताना पड़ता हमारी मीटिंग है, प्रमोट नहीं करना पड़ता, एक सेकंड के अंदर मीटिंग हमारी हाउसफुल होती है, क्योंकि फोर्सेस के अंदर जो भी इंसान ज्वाइन करता है 100% पैसा कमाता है। मेरे दोस्त, उसके बाद अगर आपको और ज्यादा पैसे कमाना है तो हमारे पास में एक और मैजिकल प्लान है जिसका नाम है एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड के अंदर टोटल 30 लोगों के स्ट्रक्चर है, 1 और 2 का आपको नहीं मिलेगा। नीचे आप देखेंगे टोटल 4 लोग हैं, 4 लोगों का आपको मिलता है 20%, नीचे 8 लोग हैं, 8 लोगों का आपको मिलता है 30%, नीचे 16 लोग हैं, 16 में से 14 लोगों का आपको मिलता है 50%, 20, 30, 50 इज इक्वल टू हाउ मच, 100% आपको मिलता है नीचे से, और करंट अप्लाइंस से 20%, उनके ऊपर की अप्लाइंस 30%, उनके ऊपर की अप्लाइंस से 50%, करंट क्रॉस लाइन से 20%, उनके क्रॉस लाइन से 30%, उनके क्रॉस लाइन से 50%, मतलब 100% ऊपर से, 100% नीचे से, और 100% आपकी क्रॉस लाइन से आता है। X3 आपके इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करता है, X4 आपके इन्वेस्टमेंट को 6 गुना करता है, सॉरी 4 गुना करता है, XXX आपके इन्वेस्टमेंट को 7 गुना करता है, और एक्स गोल्ड आपके इन्वेस्टमेंट को 12 गुना करता है। मेरे दोस्त, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट डालते हैं उसका 12 गुना आता है अगर स्ट्रक्चर को एक बार रिसाइकल कर लेते हैं। मान लीजिए आप 8वें स्लॉट में, 8वां स्लॉट आपका 3 लोगों का स्ट्रक्चर 8वें स्लॉट के अंदर, एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने के बाद, एक बार आपके सारे डिब्बे फिल होने के बाद, एक कंडीशन है दैट यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट, आपको अगला स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का इनकम मिलेगा, 8वां स्लॉट का इनकम नहीं ले पाएंगे। अगर 8वें स्लॉट का इनकम लेना है तो आपको अगला स्लॉट को, 9वां स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। आगे लेके चलते हैं, सर कितने स्लॉट से स्टार्ट करें? मैं आपको बोल रहा हूँ X3 और X4 के अंदर 5-5 स्लॉट से स्टार्ट करो। अगर कम से कम X3 और X4 के अंदर 5-5 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट आएगा इट विल अराउंड 28,000 रुपए के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 100 लोगों की मत बनाओ, केवल 12 लोगों की भी अगर आप टीम बनाते हो। X3 के अंदर हर तीसरे का पेमेंट नहीं मिल रहा था, मतलब 12 में से 8 लोगों का पेमेंट आपको मिलेगा। किसी भी स्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट केवल एक बार करना है, दोबारा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो जो टोटल अर्निंग आपको आता है इट विल अराउंड 1 लाख प्लस, 1 लाख से ज्यादा, ये 80 के हिसाब से, लेकिन अभी जो डॉलर का प्राइस चल रहा है वो 88 रुपए चल रहा है। 1 लाख रुपए से ज्यादा आप X3 के अंदर कमाते हैं, और X4 के अंदर भी आप अप्रोक्सीमेट 90,000 रुपीज के आसपास कमाते हैं, मतलब केवल 12 लोगों को रेफर करके विद मिनिमम 5 स्लॉट आप यहां पे 1,90,000 रुपए की अर्निंग ले सकते हैं X4 X3 के अंदर ही। XXX और X Gold का तो मैं यहां पे नाम भी नहीं लिया हूं। मेरे दोस्त, हिलिएगा मत, जैसे मैंने बताया था कि सिस्टम के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अपन एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे क्या सच में ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। उसके लिए यहाँ पे करीब करीब 10 से 15 लोगों का जगह है। जो लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, किस्मत आजमा लो, क्या पता आपको जगह मिल जाए जूम पे, जल्दी से एक बार ट्राई मार लो। करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे busd.forces.io डालता हूँ, और जैसे मैं busd.forces.io डालता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे सामने एक इंटरफेस आता है जहां पे आप किसी भी की आईडी ओपन करके देख सकते हैं, किसी की भी आईडी आप ओपन करके देख सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर 1 आईडी डालता हूँ, और जैसे मैं नंबर 1 आईडी डालूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे इस सिस्टम के क्रिएटर्स जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है कितना उन्होंने कमाया है वो भी मैं देख सकता हूँ, जो किसी कंपनी के अंदर नहीं होते है। मेरे दोस्त, किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखने के लिए आपको दुनिया भर के फॉर्म भरने पड़ते हैं, एप्लीकेशन लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके उन कंपनीज का आप डेटा देख सकते हो, बैलेंस शीट देख सकते हो। लेकिन फोर्सेस के अंदर सिस्टम के क्रिएटर ने कितना कमाया है वो आप देख सकते हो। टोटल $10 लाख इंडियन रुपीज के अंदर अप्रोक्सीमेट 8-8.5 करोड़ रुपए की टोटल अर्निंग किया है। आज की अर्निंग देखेंगे $448, इसको बड़ा ध्यान से देखना, $448 सिस्टम के क्रिएटर्स ने कमाए हैं। मेरी टीम के अंदर, टीम ग्लोबल के अंदर आज इनसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना इनकम भी किए हैं। किसी कंपनी के अंदर आपने देखा कंपनी मालिक से ज्यादा आप कमाओ, लेकिन फोर्सेस के अंदर ऐसा होता है। आज मेरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मेरी टीम के अंदर इनसे 3 गुना ज्यादा अर्निंग करने वाले लोग भी हैं। मेरे दोस्त, आज मेरी टीम के अंदर, टीम ग्लोबल के अंदर 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनसे 2 गुना 3 गुना की अर्निंग किए हैं, और मैं आपको वो सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा। उसके पहले आप यहां पे जाने बड़ा इनकम करने का बड़ा फॉर्मूला। सबसे पहली चीज, चाहे वो फोर्सेस का क्रिएटर हो, चाहे मिस्टर राजेंद्र सिंह हो, चाहे मिस्टर यादवेंद्र सिंह हो, और चाहे हमारे कोर लीडर्स हो, कोर्स लीडर्स हो, 2 बेसिक फंडामेंटल है फोर्सेस के अंदर जो हर किसी को कंप्लीट करना पड़ता है अगर बड़ी अर्निंग करनी है। पहला, नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर देखो। आप देखो किसी कंपनी का, किसी कंपनी का मालिक क्या कभी डायरेक्ट स्पॉन्सर निकालता है, डायरेक्ट स्पॉन्सर के लिए घूमता है? लेकिन फोर्सेस के अंदर देखो 15,000 लोगों को इन्होंने डायरेक्ट में स्पॉन्सर किया है, इसलिए इन्होंने अर्निंग किया है।
क्या केवल डायरेक्ट स्पॉन्सर करना सफिशियंट है? नहीं मेरे दोस्त, केवल डायरेक्ट स्पॉन्सर करना सफिशियंट नहीं है। अगर बड़ी अर्निंग करनी है तो आपको साथ में अपने नंबर ऑफ स्लॉट्स को भी बड़ा करना पड़ेगा। ये बात सही है कि आप केवल $10 के साथ भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ी अर्निंग करनी है तो बड़े स्लॉट से आना पड़ेगा। X3 के अंदर 12 स्लॉट है, X4 के अंदर 12 स्लॉट है, XXX के अंदर 12 स्लॉट है, X गोल्ड के अंदर 15 स्लॉट है। मेरे दोस्त, मैं आपको यहां पे मिलाता हूं हमारे एक जबरदस्त लीडर जो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, जस्ट उनका मैसेज आया है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपने स्लॉट को अपग्रेड कर रहे हैं। लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं अपने स्लॉट को अपग्रेड करते हैं तो कैसे अपना बड़ा इनकम आता है। मिस्टर विजय प्रकाश सर है। विजय प्रकाश सर, आपके पास 2 से 2.5 मिनट है, अगर कोई मैसेज भी देना चाहें और अगर आप स्लॉट अपग्रेड करना चाह रहे हैं लाइव, सर स्वागत है आपका, आए और अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। और दोस्त हिलना मत, मैं आज आपको वो चीजें दिखाने वाला हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। जी स्वागत है सर। बिल्कुल सर, दूसरे नाम से विजय प्रकाश है, उसको को होस्ट बनाए सर, उसी से होगा अभिषेक सर। बिल्कुल, मैं यहाँ पे को होस्ट बना दिया हूँ सर, स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए लीडर्स, तो जो लोग कहते हैं ना कि सर बड़ा स्लॉट करने से क्या फायदा होता है, बड़ा स्लॉट सर पैसा लगाने से क्या होता है, दोस्त पैसा नहीं लगाएंगे तो कमाएंगे नहीं। आज तक बड़ा वही कमाया है जो बड़ा पैसा लगाया है। और देखिए आपके सामने में, मैं यहाँ पे आपके सामने में लाइव स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और आपके सामने में मैं लाइव यहाँ पे स्लॉट अपग्रेड करूंगा अपना 8वां स्लॉट। तो ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट सर, स्क्रीन शेयर। ओके सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? कंफर्म सर, अभी तक तो नहीं हुआ। ओके, अब हो रही क्या? जी बिल्कुल हो रही। ओके चल, तो लीडर्स ये देखिए। ओके थैंक यू। अब देखिए आपके सामने मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट खोला हूँ, यहाँ पे $643 मेरे पास $640 का BUSD पड़ा है और आपके सामने मैं ये लॉगिन किया। सर ये $640 का इंडियन रुपीस के अंदर कीमत कितना होता है? सर इंडियन रुपीस में आज की बात करें करीब 56,000 रुपए हो रहा है। 56,000 रुपए मेरे दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लगाता है वही कमाता है। इनकी आईडी भी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। स्वागत है सर, आप कंटिन्यू करें, देन उसके बाद आपकी आईडी ओपन करें। बिल्कुल, ये लीजिए, मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया फोर्सेज में और ये देखिए 23-15 हमारा अकाउंट है, यहाँ पे लॉगिन हो गया है ऑलरेडी। और ये रहा X4 में मैं करने जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पे 7 स्लॉट है, अपग्रेड फॉर 640 मैं करने जा रहा हूँ और ये लीजिए अपग्रेड हो गया है, आप देख सकते हैं, ये लीजिए एक्टिवेटिंग हो रहा है 8वां स्लॉट। लीडर्स आज तक जो लोग कहते हैं ना कि सर बड़े स्लॉट पे क्या फायदा होता है, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगा कि बड़े स्लॉट पे क्या फायदा होता है और बड़े स्लॉट करने से क्या बेनिफिट है। जहां पे आप 1,000-2,000 रुपए का इनकम कर रहे हो वहां पे आप सीधे 50,000-60,000 रुपए कमाते हो। तो अगर आप भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो, आप बड़ा पैसा कमाने आए हो, तो जरूर अपना बड़े लेवल कीजिए। आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे प्रोग्राम X4 Level 8 एक्टिवेटेड। सो थैंक यू सो मच सर, बाकी मैसेज आप दे दें सर और कंटिन्यू करें। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच मेरे दोस्त। यहाँ पे जैसे इनकी मैं अगर आईडी ओपन करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये इनकी आईडी है जिस आईडी पे इन्होंने अपने 8वें स्लॉट को अपग्रेड कराए। इस आईडी पे देखें $25 की अर्निंग है। इनका एक और आईडी है, मैं जस्ट इस आईडी पे लेके चल रहा हूँ और इस आईडी पे आप जाएंगे तो करीब करीब इन्होंने, क्योंकि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, $640 देखो जितना लगाया है उतना इन्होंने आज कमाया भी है, 56,000 रुपए ऑलरेडी आज कमाए हैं और 56,000 रुपए वो लगाए भी हैं, राइट। सो जितना बड़ा दुकान आपका होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, जितना बड़ा आप स्लॉट देंगे उतना ही बड़ा आप इनकम यहाँ पे करेंगे मेरे दोस्त। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ, उससे पहले एक बार यहाँ पे मैं हैंड रेस करवाना चाहूंगा उन लोगों का जो लोग आज इस सिस्टम से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 रुपए की अर्निंग के, प्लीज रेज योर हैंड जल्दी से, एक बार जल्दी से हैंड रेस करें आप यहाँ पे देखें। और मैं आपको बोल रहा हूँ अब किसी फोर्सेस के अंदर 1% का भी झूठ नहीं चलता है। जिन्होंने भी हैंड रेस करा है, किसी का भी आईडी आप ओपन करके देख लेना, आपके तसल्ली के लिए मैं आपके तरफ हूँ। एक लीडर को मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, मिस्टर अभिषेक सिंह दिलवाला। अभिषेक सिंह दिलवाला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें जरा जल्दी से। ओके थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आईडी नंबर बताएं सर, आपकी आईडी नंबर बताएं बिना कोई मैसेज। 461139 सॉरी 461139 मेरे दोस्त, इनकी आईडी पे आप देखें, आप जैसे हमने रैंडमली एक लीडर को उठाया है
और इनकी आईडी पे देखेंगे $178 की अर्निंग है इंडियन रुपीस के अंदर, 13-14 हजार रुपए की अर्निंग इनकी आज की है। स्वागत है अभिषेक सिंह दिलवाला जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ओके सर, जैसा कि आप देख रहे हैं $178, ऐसा कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 से ज्यादा का अर्निंग होता है आज के डेट में। सर मैं पिछले 4-5 साल से मैं भी प्रोडक्ट बिजनेस में काम कर रहा था, कभी इतनी अर्निंग नहीं ले पाया, बस सपने देखे लाखों रुपए कमाने का, लेकिन आज सर एक एक दिन का यहाँ से 2000 से लेकर 5000 10000 20000 25000 में डेली के यहाँ से मैं अर्निंग ले रहा हूँ। सर सबसे पहले मैं मैसेज यही है कि जो भी लोग इस प्रेजेंटेशन को पहली बार देख रहे हैं, आपको दोस्त समझ में आया हो या ना आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं इस बिजनेस को पहली बार में देखा था कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ लाइव है, ए टू जेड सबका आईडी ओपन करके दिखाया जा रहा था। तो सर इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया और सब मैं यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 30-40-50 हजार कमा लिया, तब जाके मुझे ये समझ में आया कैसे है क्या है, राइट। तो जो भी लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं तुरंत आप ज्वाइन करिए, जब तक आपको समझ में आएगा तब तक आप 50,000, 1,00,000, 2,00,000 की अर्निंग भी ले जाएंगे। ओके थैंक यू सो मच सर। अभिषेक सिंह दिलवाला जी थैंक यू सो वेरी मच। मेरे दोस्त मैं अब आपको मिलवाता हूँ एक ऐसी लेडी लीडर से, बोलते हैं ना नारिया बबला नहीं सबला बन गई हैं, वक्त आने पे अच्छे अच्छों का तबला भी बजा सकती हैं, एक ऐसी लीडिंग लेडी लीडर से जिन्होंने ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि फोर्सेस के अंदर वो नहीं है, फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन टीम ग्लोबल के एथिक्स पे, टीम ग्लोबल के वैल्यूज पे, टीम ग्लोबल के सर्विस पे उन्होंने इंस्पायर होकर आज टीम ग्लोबल के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और आज 7-8 दिन हुए और 7-8 दिन के अंदर ही उन्होंने बहुत जबरदस्त अर्निंग स्टार्ट करी और बहुत जबरदस्त अर्निंग उन्होंने किया। और एक बारी फिर से मैं उनको बुलाने के पहले उनका स्वागत करना चाहूंगा टीम ग्लोबल की तरफ से, पूरी टीम ग्लोबल के बिहाफ में उनका आभार करना चाहूंगा। उन्होंने टीम ग्लोबल पे विश्वास करा, टीम ग्लोबल पे बिलीव करा और टीम ग्लोबल के साथ आ जाए हैं। और मैं पूरी टीम ग्लोबल के बिहाफ में उनको विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि आपने जितना भी बड़ा कुछ किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर आप टीम ग्लोबल परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो आने वाले कुछ समय के अंदर हम वो साथ में मिलकर वो करने वाले हैं जो आज से पहले नहीं हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा मिस पिंकी रॉय जी। मैम अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है स्वागत है, मैं ऑलरेडी आपको कोहोस्ट बना चुका हूं। मैम अभी 7-8 दिन पहले हमारे साथ में इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी है और 7-8 दिन के अंदर ही इन्होंने जो टोटल अर्निंग करी है 2,21,508 रुपए से ज्यादा। स्वागत है मैम। ओके थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे टीम ग्लोबल फाउंडर का, टीम ग्लोबल कम्युनिटी का मेंबर्स बनाया। एंड मैं अभी आपको एक जर्नी शेयर करूं तो शायद मेरी हाथ भी आज कांप रही है, बिकॉज आज से पहले मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ, मैं हमेशा मोटिवेट होकर चीजों को शेयर की। बट पहली बार मुझे 12 महीनों के अंदर पहली बार मैं इतनी बड़ी पैनल का पार्ट बनी हूँ, को होस्ट बनी हूँ। मैं सभी से कहना चाहूंगी माई सेल्फ पिंकी राय, आई एम फ्रॉम बिहार कटिहार, बिहार की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के कटिहार, मैं वहां से हूँ। और जस्ट आज से करीबन 12 महीने पहले मैंने इस जर्नी के स्टार्ट की थी, बट मैंने किसी और जगह पे स्टार्ट की थी, वहां पे भी मैंने 13,500 BSD प्लस की अर्निंग की थी, अराउंड में 12 लाख प्लस की अर्निंग मैंने की थी। लेकिन कहते हैं ना कि विदाउट मेंटर वी कैन नथिंग डू एनीथिंग, सो टीम ग्लोबल की कम्युनिटी को देखते हुए, टीम ग्लोबल की गाइडलाइंस को देखते हुए, इनकी मेंटोरशिप को देखते हुए, एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए, टेक्निकल चीजों को देखते हुए मैंने रीस्टार्ट करने का डिसीजन लिया। एंड यू कैन सी माय आईडी नंबर 861998 एंड मैंने 8 डेज के अंदर 2 लाख प्लस की अर्निंग की है एंड अराउंड में 200 प्लस की मैंने टीम भी बनाई और सिल्वर लेवल भी मैंने क्वालिफाई किया है। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, जस्ट बिकॉज मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया क्योंकि मुझे एक राइट मेंटोरशिप की नीड थी। एंड मैं ऐसा मानती हूँ पूरे इंडिया के अंदर आपसे बेहतर मेंटोरशिप हमें कोई नहीं दे सकता। एंड इस पैनल के अंदर 1,000 पार्टिसिपेट एंड इन 1,000 पार्टिसिपेट में से 50% ऐसे लोग हैं जिनको सच में मेंटोरशिप की नीड है एंड वो इधर उधर भटक रहे हैं कि हम क्या करें, मेरे अपलाइन गायब हो चुके हैं, मेरे अपलाइन दूसरे कॉन्सेप्ट में जा चुके हैं। जिस तरीके से टीम ग्लोबल के फाउंडर ने हमारा स्वागत किया, हमारा वेलकम किया, आपके लिए भी मोस्ट वेलकम है टीम ग्लोबल कम्युनिटी में। सो आए यहाँ पे मिलकर हम बहुत बड़े लेवल पे अर्निंग करेंगे। एंड ये तो मेरी छोटी सी जर्नी थी टीम ग्लोबल में एंड बिलीव मी सर, मैं इस टीम ग्लोबल कम्युनिटी में ऐसा काम करके दिखाऊंगी कि आपको प्राउड फील होगा आने वाले टाइम पे कि यस पिंकी राय हमारी टीम ग्लोबल कम्युनिटी की मेंबर से। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू सो वेरी मच पिंकी रॉय मैम, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने एंड आई नो दैट यू विल मेक मी प्राउड वन डे विल कम व्हेनेवर यू नो यू विल जस्ट मेक मी प्राउड एंड थैंक यू सो वेरी मच अगेन।
मेरे दोस्त नेक्स्ट लीडर इन द रो जो इनकी भी अपलाइन है, इनके भी सीनियर हैं, 450 लोगों के साथ में आज टीम ग्लोबल के अंदर एंट्री किए हैं। लेट अस इनवाइट मिस्टर राजेश शर्मा सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है स्वागत है। सर ने भी पिछले 7-8 दिन में इसी टीम ग्लोबल के अंदर काम करते हुए 3,11,946 रुपए की अर्निंग करी है। स्वागत है राजेश शर्मा सर। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, थैंक यू सो मच। मायसेल्फ राजेश कुमार शर्मा, बात करो नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी की तो 10 सालों का एक्सपीरियंस है। 9th क्लास से ही नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया था, प्रोडक्ट मार्केटिंग में बहुत इधर उधर भटका, कुछ नहीं मिला। लास्टली जबरदस्ती किसी ने फोर्सेज ज्वाइन करा दिया सितंबर 2021 में। और अगर मैं बात करूँ, 1 सालों में मैंने यहाँ से भी 25 लाख रुपए के आसपास जनरेट किया, मगर फिर भी वहां पर राइट मेंटरशिप नहीं होने के कारण हमने अपने पूरे टीम के साथ अमित सर, ओली सर और राजेंद्र सर, यादवेंद्र सर के साथ टीम ग्लोबल के साथ स्टार्ट करने का फिर से हम लोगों ने डिसीजन लिया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट में कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई फोर्सेज में था, फिर से फोर्सेज में रीस्टार्ट कर रहा। क्योंकि मैं उनको एक ही चीज बता रहा हूँ कि भाई फोर्सेज में जो चीजें मुझे दिख रही है शायद वो चीजें आपको नहीं दिख रही है। मेरे जो पुराने अपलाइन थे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया कि भाई देख लो, अभी दो एक स्टार्टिंग है, आने वाले 3-4 महीने के बाद हमारी इनकम कहां से कहां होने वाली है। राजेंद्र सर, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अभी जो हम लोगों ने शुरुआत करी है सर, इतना मजा आ रहा है, मेरे को तो आ ही रहा है, मेरे साथ साथ मेरे सारे टीम के लोगों को बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि मैं जब बात करता हूँ टीम में तो एक चीज कही जाती है कि कभी कभी डर लगता था कि डिसीजन मेरा सही है या गलत है डिसीजन मेरा, क्योंकि अकेले का डिसीजन नहीं था, हमारे साथ जो 500 लोग थे उन सारे लोगों का डिसीजन मतलब गलत ना हो जाए। मगर मैं रियली प्राउड फील करता हूँ, मैं और मेरी कुछ कोर टीम का जो आज हमारे साथ है, सबने मिलकर डिसीजन लिया और आज हम लोग एक सही जगह पर हैं, सही मेंटरशिप मिल रही है अमित सर की, ओली सर की, असाद सर की, और आप तो महागुरु हैं ही सर, और आप लोग आपसे मिलने का मौका मिलेगा फर्स्ट टाइम हमें आगरा में। तो थैंक यू सो मच सर, हम लोग बहुत बड़ा करके दिखाएंगे यहाँ से सर। थैंक यू सो मच राजेश सर अगेन बिलीव करने के लिए टीम ग्लोबल पे हम पे। एंड यस, जो मजा आप ले रहे हैं इस मजे को और बढ़ाने आ रहा हूँ आप सबसे मिलने 5 तारीख को आगरा के अंदर। मेरे दोस्त, चलिए मैं फिर से एक और लीडर को बुलाता हूँ, बड़ा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, मिस्टर विशाल सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है स्वागत है। लास्ट है, आप लोग कहीं हिलिएगा मत। स्वागत है विशाल सर जी। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इन्वाइट किया। एंड सर, सबसे ज्यादा पहले तो मैं स्पेशली थैंक्स बोलूंगा टीम ग्लोबल को और आपको और रामदेव सर, नेमराज सर और यादवेंद्र सर, जितने भी हमारे मेंटोर हैं। आपके एजुकेशन सिस्टम की वजह से सर आज 1000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। और दूसरी चीज सर, आज एक सिंगल डे की मेरी इनकम 32,500 रुपए से ज्यादा की है, आप चेक कर सकते हैं, आईडी नंबर ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक बार आईडी नंबर बताएं आप, मैं डेफिनेटली दिखाना चाहूंगा। 42 यस सर, 42 69 09 03 03। और मैं आपको बता दूं विशाल सर, जितने लोगों को यहां पे जो विशाल सर को नहीं जानते हैं, जैसे मैंने अभी सर को बोला कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं 5 तारीख को, वैसे ही विशाल सर से भी मिलने में, विशाल सर की टीम से मिलने नैनीताल जा रहा हूं, राइट, जिम कॉर्बेट जा रहा हूं 7 तारीख को। जी स्वागत है सर जी। थैंक यू सो मच सर, जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं आज मेरा 370 बीएसडी का अर्निंग है। और ये सब कुछ सर मेरे दम पे पॉसिबल नहीं है कि मैं इसे अकेले कर सकता, ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो पाया है तो आप लोगों के सपोर्ट से हो पाया है, मेरी पूरी इंटायर टीम के सपोर्ट से हो पाया है और टीम ग्लोबल के एजुकेशन सिस्टम से हो पाया है। मैं जितने भी नए साथी हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक आप दूसरों की इनकम देखते रहेंगे सर, देखते रहेंगे, आप देखते ही जाएंगे। अगर आपको इतनी बड़ी इनकम अर्न करनी है तो डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन टेकर बनिए, डिसीजन टेकर बनिए और आज डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ के अंदर। सर इतना बड़ा इनकम जनरेट करना फोर्सेज के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं लास्ट अपनी 4 दिन की इनकम की बात करूं तो सर, लास्ट 4 दिन की इनकम मेरी अप्रोक्सिमेट 1.5 लाख से ऊपर की है। तो सर ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो सर आपकी वजह से, थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू। बिल्कुल, अगेन थैंक यू सो वेरी मच सर। विशाल सर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, मुझे पता है, और आपकी टीम के अंदर भी लोगों को बहुत अच्छी इनकम करवा रहे हैं। देखिए, खुद कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर की टीम के अंदर भी लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। दीज वर थैंक यू सो वेरी मच। ऑलरेडी 4-5 मिनट हम लोग लेट हो चुके हैं एंड मुझे पूरा विश्वास है जो भी लोग यहाँ पे अलग अलग टीम से हैं, आज पिंकी मैम को सुनने के बाद, राजेश सर को सुनने के बाद, डरिए मत, स्टार्ट करिए टीम ग्लोबल के साथ आइए, क्योंकि आज मार्केट के अंदर टीम ग्लोबल के अलावा कोई दूसरी टीम बची भी नहीं है।
अगर आपको सच में मेंटरशिप चाहिए, आपको सच में लीडर्स चाहिए जो आपको सर्विस दे सकें, जो आपको गाइड कर सकें, तो आपको टीम ग्लोबल को स्टार्ट करना चाहिए, टीम ग्लोबल के साथ स्टार्ट करना चाहिए। हम सब लोग आपके साथ में हैं और हम सब मिलकर तहलका मचा देंगे, धूम मचा देंगे। और जो नए मेहमान आए हैं मेरे दोस्त, आप सबने देखा हमारी टीम का ये हाल है, तो हमारी इनकम छोड़ दीजिए, खैर 1400-1200 हमारी आईडी है PUSD.forces.io, ओपन करके देख लेना। एक आईडी पे करीब $1400 है, एक आईडी पे करीब 690-700 के आसपास है, करीब करीब 2100 के आसपास की अर्निंग है, बहुत ज्यादा नहीं है। $2100 को अगर इंडियन रुपीस में आप निकालने जाएंगे, करीब करीब 170,000-175,000 रुपए का टोटल अर्निंग है आज का, एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ भाई। सो बस इतना ही है, बहुत बड़े लोग नहीं है हम लोग, बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे मोटिवेशन नहीं है, बहुत सारी कहानियां हमें नहीं आती है, लेकिन पैसा कमाना आता है। हम बस नहीं, हमारी टीम के अंदर भी लोग आज पैसा कमा रहे हैं, आपको भी कमाना है तो डेफिनेट आप टीम ग्लोबल के अंदर आइए। आप सबका हम टीम ग्लोबल की तरफ से, टीम ग्लोबल के बिहाफ में आप सबका स्वागत करते हैं। दिस वाज थैंक यू सो वेरी मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना अपने परिवार का। राजन सिंह साइनिंग आउट, वेरी गुड नाइट, टेक केयर।